नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विवेक और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टॉप फाइव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर 2022 2022 में वो कौन से फाइव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको सीखना चाहिए जो कि ट्रेंड करने वाला है जिसका अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है तो इस वीडियो बनाने के लिए हम बहुत सारे रिसर्च रिसोर्सेस लिए हैं जैसे कि हम इंग्लैंड पे गए वहाँ पे चेक किए हैं वहाँ पे बहुत सारा ही सर्च किए हैं देन आपको स्टेक ओवरफ्लो हुआ वहाँ पर जाकर बहुत सारा सर्च किए हैं और गेटअप हुआ वहाँ पे जाके बहुत सारा सर्च किए हैं है, कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ट्रेंड कर रहा है और आगे भी ट्रेंड करना चाहिए फिर इंडीड जॉब है वहां से हम पता लगाएंगे किसका जॉब में ज्यादा प्रायोरिटी है आपको क्रैक करने का और किस में सैलरी भी ज्यादा हो जैसे कि एवरेज सैलरी वहां बताया जाता है वो किस में कितना ज्यादा है तो ये वीडियो ना सिर्फ हम ये ध्यान में रखे बताए हैं कि 2022 में वो कौन सा फाइव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि चलेगा बल्कि तो इस पूरे डिकेड में वो कौन फाइव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आपको सीखना चाहिए जैसे कि आप इस पूरे डिकेड में जैसे कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट को कहते हैं इवॉल्व कर रहा है बट वो कौन सा फाइव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आप सीख के स्टे कर सकते हैं इस आईडी इंडस्ट्री में तो बिना टाइम और वेस्ट किए हम लोग पे जाते हैं बट इससे पहले जैसे कि आपको बताए हैं कि इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च लगा है तो आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आ, हम इस तरह की और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेते आ पाए तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिफ्थ नंबर पे कौन है तो फिफ्थ नंबर पर हमारा आता है पीएचपी अब आप लोग घबरा गए होंगे कि पीएचपी कैसे आ सकता है पीएचपी इस लिस्ट में हो ही कैसे सकता है बट आपको हम बता दें कि PHP का रूट इतना ज़्यादा डीप है हमारे आईटी इंडस्ट्री में कि उसको रिप्लेस करना लगभग इम्पॉसिबल है हम लोग सात आठ साल से कह रहे हैं कि PHP एच पी इज डेड पी एच पी इज डेड बट पी एच पी इज स्टिल नॉट डेड आप देखेंगे कि बहुत से बिग बिग इंडस्ट्री में स्पेशली बैंकिंग इंडस्ट्री में PHP इतना ज़्यादा डीप रूटेड है कि उस वहां पे अभी तक PHP को ही यूज़ किया जा रहा है और PHP का एक खास बात है कि वो बहुत ही सिंपल है मतलब इजी किसी भी मशीन में ईजिली इंस्टॉल हो सकता है अनलाइक दूसरे जो हमारे मशीन लर्निंग या पाइथन या नोट जो सब होते हैं इसको इंस्टॉल करना तो इस क्योंकि इसका सेटअप प्रोसेस बहुत ही ही इजी होता है तो तो भी छोटे छोटे साइट पे चलते हैं इवन बिग ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि ये ऑलरेडी मेडअप चीज है सपोज कीजिए कि आपका कोई कंपनी है और आप उसमें एक सॉफ्टवेयर बनवा लिए हैं एक इंडस्ट्री मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे अब उसको आपको रिप्लेस करना कितना मुश्किल होगा जब आपका कितना ज्यादा यूजर उसी पर डिपेंडेंट है अभी के लिए तो पीएचपी का रूट इतना ज्यादा डीप है कि उसको रिप्लेस करना नामुमकिन ना आप समझ लीजिए कि ये ना कि अभी तक रिप्लेस हो पाया है ना ही 2030 तक तो बिल्कुल रिप्लेस नहीं हो पाएगा और इवन अब क्या हुआ है कि जैसे कि आप याद होगा क्या फाइव सिक्स सेवन साल पहले कि ये नोट जी एस रियक्ट जीएस एंग्लोर जीएस पाइथन ये सब का इतना ज्यादा क्रेज चला था कि लोग पूरी तरह उधर शिफ्ट हो गए हैं तो हो क्या गया है एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है पीएचपी डेवलपर का तो इवन हम ये भी देखें कि कुछ कुछ जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होते हैं वो पीएचपी डेवलपर को ज्यादा पे करते हैं बिकॉज कोई भी इधर जाना नहीं चाहता है और आप समझ ही रहे हैं कि ये एवरीथिंग इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई का है जहां भी डिमांड सप्लाई घटेगा तो वहां पे उसको पैसा बढ़ाना ही पड़ेगा इंडस्ट्री को तभी वो डेवलपर को रख सकता है अपने पास क्योंकि सब अगर आप जावास में जाना चाहिएगा आ, न्यू न्यू फ्रेमवर्क ही सीखना चाहिएगा तो उस जगह पे किसी को रखने के लिए कुछ तो मोटिवेशन के लिए कुछ तो देना होगा एक्स्ट्रा तो उसको वही देते हैं और यहां आपका लारवल के बारे में बता दे वो एक राइजिंग सुपर है आपका ये पीएचपी फ्रेमवर्क में एंड इट एबसुल्यूटली स्मैसिंग इट तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर फोर्थ पे फोर्थ नंबर पे हमारा आता है गो या कुछ लोग इसे गोलैंग भी कहते हैं तो आपको बता दें गो को 2007 में जाके गूगल द्वारा डेवलप किया गया था और ये 2021 में आके एक्सट्रीमली पॉपुलर हो चुका है तो अगर आप इसे 2021 में नहीं भी सुने हैं तो आप यकीन माने दो में आप इसके बारे में बिल्कुल सुनने वाले हैं तो गूगल इसे क्यों डेवलप किया था गूगल इसे डेवलप किया था बिकॉज वो अपने सारे प्रोग्रामर से पूछिए कि आपको एक प्रोग्राम लैंग्वेज में क्या चाहिए वो जान के इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था आपको बता देखिए बहुत सारे जो हमारे न्यू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इसको यूज़ करना स्टार्ट भी कर चुके हैं और आपको देखा जाए तो इसे कुछ लोग जो है सी के तरह कहते हैं सी लैंग्वेज जो आप लोग पढ़े होंगे मोस्टली लोग और इसको हम लोग लगभग सी के तरह ही कहना चाहते हैं बस ये सी के कुछ कुछ फ्लॉ को ख़त्म करता है और उसमें बहुत सारा चीज़ इंक्लूड करता है और ये बन जाता है हमारा गो इसे कुछ लोग गोलैंग भी कहते हैं अब देखिए इसका आप बहुत लोग का कन्फ्यूजन इस बात में होता है कि इसको गो कहें गोलैंग कहें तो इसका एक्चुअली में नेम गो है बट इसका साइट का नाम जो रखा गया वो रखा गया गोलैंग डॉट ओ आर जी तो इसको हम लोग बहुत सारे लोग गोलैंग भी कहने लगे अब कुछ भी कहे कहने का मतलब तो है नहीं हम एक लोगो डाल देते हैं देख लीजिए यही है इस लैंग्वेज के बारे ही हम बात कर रहे हैं ओके तो आप पूछेंगे कि इसमें क्या इंक्लूड किया गया है सी के अलावा तो आपको बताते कि इसमें जो इंक्लूड किया गया है तो वो है मेमोरी सेफ्टी गार्बेज कलेक्शन एंड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग को इंक्लूड किया गया है जो कि सी में नहीं था और वो तीनों चीज को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है और आपको बता दें कि इसमें बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी कुछ कुछ चीज सीख लिया गया है जैसे कि आपको आ, पाइथन या जहाँ स्क्रिप्ट से कुछ लिया गया है वो क्या वो है रीडेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, ये हम इसमें लिए हैं पाइथन से देन स्टेटिक टाइपिंग एंड रन टाइम एफिशेंसी ये हम लिए हैं आपको सी लैंग्वेज से तो आपको बता दें गो लैंग्वेज जो है हाई परफॉर्मेंस चीज है और मल्टी प्रोसेसिंग है आप चाहें तो इससे कंप्लीट साइट बना सकते हैं आपको बता देखिए हाई प्रोसेसिंग नेटवर्किंग हो या मल्टी प्रोसेसिंग हो आप सब कुछ कर सकते हैं गोलैंग से और आप चाहें तो एक कंप्लीट एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं इंटायरली ऑन गो या गोलैंग तो एक मस्ट रीड है आपको गोलैंग पे आप एक बार इसको जरूर देख ले हम चाहेंगे हम तो हम कुछ दिन उस पर कोर्स भी लेके आ जाएंगे कम्पलीटली ताकि आपको और इजी हो बट जब मेरे कोर्स का वेट करना कोई जरूरी बात नहीं है आप कहीं और से भी रीच आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट जगता है तो गो लैंग को रीड करना वर्थ इट है आप यकीन मानिए दो तो हज़ार बाईस गोलैंग का होने वाला है थर्ड नंबर पे हमारा आता है जावा तो आप में से कुछ लोग जो कि गोया लैंग्वेज के बारे में नहीं भी सुने होंगे वो जावा के बारे में बिल्कुल सुने होंगे क्योंकि ये एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है हम लोग सब इसको कभी ना कभी सुन ही चुके हैं इसके नाम के बारे में तो क्यों ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्योंकि ये आपको बता दे एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो बिल्ड होता हुआ करता था पहले पूरा का पूरा किस पे हुआ करता था जावा पे हुआ करता था अब हमारे कुछ लैंग्वेज आ चुके हैं कॉटलिन या वो उसमें भी ओरेकल जो कंपनी है वो क्लेम करता है कि 97 सेवन परसेंट इंटरप्राइज एप जो है वो सब के सब जावा पे बिल्ड है अभी भी तो और सिर्फ एप्लीकेशन का बात नहीं हो रहा है आपको आप कुछ कुछ बड़े बड़े साइट जो आप देखते हो आ, बैंकिंग साइट हो जाए या कुछ कोई भी बहुत बड़ा साइट सबका बैकेंड जो जिसपे लिखा जाता है मोस्टली का लिखा जाता है वो जावा पर लिखा जाता है तो आप कभी भी अगर ये बिग एंटरप्राइज एम इन्स सर्विस कंपनी जैसे कि टी सी एस इन्फोसिस विप्रो में काम करते हो तो आप मान के चलो कि आपको जावा यूज़ करना ही पड़ेगा कभी ना कभी उनमें और ना सिर्फ ये सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक टी सी एस इन्फोसिस इवन गूगल हो जाए माइक्रोसॉफ्ट हो जाए ऊबर हो जाए सबके सब जावा को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जावा में इधर रिसेंटली आपको पता होगा कि लाइसेंसिंग इशू आया था बट फिर भी लाइसेंस इशू के आपको भी रिजॉल्व कर दिया गया है और और एकल क्लेम किया है कि नहीं वो मतलब लाइसेंस को पूरी तरह फ्री करने वाला है तो आप समझ लीजिए कि इसका पॉपुलैरिटी जब लाइसेंसिंग इशू आया था तो भी नहीं घटा तो अब तो और भी भरने ही भरने वाला है तो इसलिए हम थर्ड स्पॉट पे रखे हैं जावा को और जावा को ऐसे भी जो न्यू न्यू लैंग्वेज आया है फिर भी कहा जाता है जावा को सीखने के लिए क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है अगर आप डी सीखना चाहते हैं तो डी एस विद जावा आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि ये इसमें मतलब प्रगन लैंग्वेज का ऐसा डिज़ाइन है कि आपका एक लैंग्वेज का कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता है तो ऐसे भी मान के चलिए कि अगर कंपनी आंखों किसी और लैंग्वेज में भी उसको अपना आपसे काम करवाना हो बट अगर आपको जावा आता हो अगर आपका वो जावा में इंटरव्यू ले लिया और आप सक्सेस कर गए हैं तो वो मान के चलता है कि कोई भी बंदा अगर जावा सीख सकता है सीखा हुआ है तो उसका लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड इतना अच्छा बढ़ चुका है कि वो कोई भी और लैंग्वेज आसानी से सीख सकता है तो जावा को इसीलिए हम थर्ड नंबर पर रखे हैं और थर्ड स्पॉट पर रहने का इसका पूरा हक है और अपकमिंग डिकेट जावा का है जावा को कोई हटाने वाला नहीं है इसका डीप रूटेड जैसे कि पीएचपी का था तो इससे इसका तो अप्लीकेशन से ज्यादा डीप रूटेड है तो इसको भी हटाना लगभग इम्पॉसिबल है ना सिर्फ हम इसको लोग फ्रंट इंड समझते थे कि सिर्फ इससे ऐप बनता है बट ना सिर्फ फ्रंट इंड ये बैक इंड में बहुत ही वास्टली यूज होता है तो सेकेंड नंबर पर हमारा आता है पाइथन अब हमको पता है कि आपसे कुछ लोग कह रहे होंगे कि पाइथन को सेकेंड नंबर पे कैसे डाल दिया स्पेशली पाइथन लवर्स जो है पाइथन को तो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए बट आपको बता दें कि हम भी पाइथन को फर्स्ट नंबर पे रखना चाहते हैं रहना चाहते थे बट क्योंकि मेरा रिसर्च जैसे आपको हम स्टार्टिंग में, में बताए थे कि ये हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं वीडियो काफ़ी रिसर्च किए हैं इसके लिए लंग्लैंड ये काफ़ी अलग अलग साइट पे जाके अलग अलग ट्रेंड को देख के उसके बाद हम डिसाइड किए हैं कौन सा लैंग्वेज किस जगह पर रहने के योग्य है तो उसके हिसाब से हम इसको रखे हुए हैं तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे और आपको हम बताते हैं कि किसी भी लैंग्वेज से प्रेम नहीं करना चाहिए यू डोंट लव एनी लैंग्वेज यू लव कोडिंग और हम लोग को उस हिसाब से जो भी लैंग्वेज मिले उसमें कोडिंग कर देना चाहिए तो सारी लैंग्वेज सीखिए जितना भी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है और आप कोडिंग से प्यार कीजिए प्रोमिंग लैंग्वेज से नहीं ओके अब आपको बता दें कि आ, पाइथन इतना पॉपुलर क्योंकि आपको बता दें कि अमेजिंग कम्युनिटी है इसका और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है इसको सीखना इतना आसान है क्योंकि इसमें लाइब्रेरी का संख्या बहुत ही ज़्यादा है आप मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा काम आपको करना हो एक सिंपल लाइन में हो जाता है पाइथन में क्योंकि इसमें लाइब्रेरी बहुत ही इन्फिनिट लाइक नंबर ऑफ लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा है तो आपको बता दें इसके साथ साथ इसका पॉपुलैरिटी का एक और सबूत कि इंस्टाग्राम का जो आप बैकहेंड देखते हैं वो पाइथन में ही लिखा गया था और साथ ही साथ अगर आपको आज सपोज कीजिए कि मशीन लर्निंग करना हो आप किसी से ही पूछ ले कि हमको मशीन लर्निंग करना है उसमें हम कौन सा लैंग्वेज सीखे तो आपको जवाब में पाइथन ही मिलेगा तो हम क्या देख रहे थे पाइथन के पास बाकी सब कुछ तो था ही मशीन लर्निंग में तो अमेजिंग पॉपुलैरिटी बना ही चुका है पाइथन ठीक है इसके पास अमेजिंग कम्युनिटी तो था ही अमेजिंग लाइब्रेरी uh, तो था ही और अब साथ साथ अमेजिंग फ्रेमवर्क भी इसके साथ हाँ जुड़ते जा रहा है जैसे कि जेंगो जेंगो एक काफ़ी पॉपुलर फ्रेमवर्क इसका बनने जा रहा है बैकहण्ड लिखने के लिए और जो कि इसका पॉपुलैरिटी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है और आगे भी इससे बहुत सारा फ्रेमवर्क इसके साथ जुड़ते ही जा रहा है जैसे कि मशीन लर्निंग वर्निंग में भी हो तो बहुत सारा फ्रेमवर्क जुड़ रहा है जो कि इस लैंग्वेज को पॉपुलर बना ही रहा हो और इसका डूबने का तो कोई सवाल बनता ही नहीं है क्योंकि ये तो अभी एक राइजिंग है ना कि ये नीचे तरफ तो जा ही नहीं रहा है एक राइजिंग लैंग्वेज है जो कि अभी राइज करते ही रहेगा और देन स्टे करेगा और उसके बाद ही कोई भी ड्रॉप करता है तो अभी तो ये राइजिंग कर रहा है तो इसका ड्रॉप करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है और आपको बताते हैं कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डर लगता हो कि आपको सीखने में लगता हो कि नहीं समझ में आ रहा हो कोई भी लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस या जाभा सीख रहे होंगे तो तो आपको हम पक्का कहेंगे कि आप जाके पाइथन सीखो आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा अगर आप प्रोग्राम नहीं सीख पा रहे हो बहुत ट्राई करने के बाद ही डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज तो आप पाइथन से शुरू करो पाइथन शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है खास करके बिगनर के लिए क्योंकि मतलब इसका स्ट्रक्चर इस इतना अच्छे से किया गया है कि बहुत ही कम से कम लाइन में आप किसी भी चीज़ को करवा सकते हो तो पाइथन एक वर्थ है जो कि आप सबको आप आपको सारे को सीखना चाहिए अगर इवन आपको और कोई लैंग्वेज आता भी है फिर भी आप देखिए एक बार पाइथन को जरूर ट्राई करो अगर कोई लैंग्वेज आता है फिर तो आपके लिए पीस ऑफ केक हो जाएगा पाइथन बहुत ही आसान हो जाएगा और देखिए कोई भी लैंग्वेज को हार्ड करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस लैंग्वेज को हार्ड होना चाहिए वो जितना आसान हो बस मेरा काम हो जाना चाहिए लैंग्वेज से मेरा क्या मतलब है कि मेरा काम हो जाना चाहिए तो पाइथन आपका सारा काम कर देगा तो आप सोच सकते हैं जब मशीन लर्निंग में पाइथन को इतना वास्टली यूज किया जाता है तो बाकी में तो क्या ही जाएगा और बैकहड में जाएंगे इसको काफी पॉपुलर बना दिया है तो इसलिए हम पाइथन को रखे हैं नंबर सेकंड पे तो नंबर वन पे हमारा आता है जावास्क्रिप्ट तो आई होप आप में से बहुत सारे लोग इसे गेस्ट कर ही लिए होंगे तो जावा जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं स्टैक ओवरफ्लो कहता है का लास्ट सेवन ईयर का सर्वे कहता है सेवन ईयर से लगातार जावा जो है मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बनते जा रहा है जावा स्क्रिप्ट सॉरी स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे में नॉट जस्ट स्टैक ओवरफ्लो गेट भी आप देख लें तो जावा का कोड बहुत ज्यादा लिखा गया है जावा स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है कि वो क्यों कोई न्यू लैंग्वेज है बहुत ही पुराना लैंग्वेज है इवन आप कोई भी सिंपल से सिंपल साइट देख ली स्टेटिक साइट भी उसमें भी जावा स्क्रिप्ट लिखा जाता था जो कि उसमें कुछ ना कुछ स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट वाला काम करता था जैसे कि कोई बटन को वर्क करना हो ये सारा काम कौन कसा करता था जावा स्क्रिप्ट करता था आप वेब ब्राउजर पर कोई सा भी साइट खोल लो आपको उसमें जावा स्क्रिप्ट मैक्सिममम मिल जाएगा नाइन्टी नाइन में मिल जाएगा जावा लिखा हुआ आ, कोई फालतू ही साइट होगा छोटा मोटा साइट जैसरा पोर्टफोलियो वोटफोलियो साइट जिसमें आपको जवाब स्क्रिप्ट ना मिले बट लगभग में आपको सारे में जावास मिल ही जाएगा लिखा हुआ नहीं तो ब्राउजर उसमें बना लेता है बट पॉपुलर होना कब स्टार्ट हुआ जब इसमें कि न्यू न्यू फ्रेमवर्क आने शुरू हुए जैसे कि कि जब से इंट्रोड्यूस हुआ जो क्रोम में से इंट्रोड्यूस हुआ था ओके और उसके बाद फेसबुक नोट जीएस पे ही क्या बना दिया दो फ्रेमवर्क बनाने ने स्टार्ट कर दिया जैसे कि रिएक्ट हुआ हुआ हो रिएक्ट uh, नेटिव हो ये सारे फ्रेमवर्क बनने लग गए और जैसे कि जावा के सपोज कीजिए पॉपुलैरिटी में चार चांद लग गए और आपको यूजर्स से बता देते तो आपको बता दे कि फ्रंट एंड में इसको मतलब ये मल्टी डायमेंशनल यूज होता है इसका जावास्क्रिप्ट का इसका पॉपुलर होने का एक रीजन नहीं है बहुत ज्यादा रीजन है क्योंकि इसको आपको क्या बनाना है आप बताइए आपको क्या बनाना है आप सब कुछ बता सकते हो जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क की मदद से आपको अदा दें कि अगर इसके फ्रंट एंड में बात किया जाए तो बहुत सारे पॉपुलर पॉपुलर फ्रंट एंड बने हुए हैं यानी फ्रेमवर्क में भी एक फ्रेमवर्क नहीं है बहुत सारे फ्रेमवर्क है और सारे के सारे बहुत ही पॉपुलर है मतलब पॉपुलर यहाँ समझिए पॉपुलर हम ऐसे नहीं कह रहे हैं पॉपुलर का इंपॉर्टेंस है अगर कोई चीज भी पॉपुलर है तो आप सपोज समझ लीजिए कि उसका कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ही जबरदस्त होगा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप जाइए गूगल पे एक टाइप कीजिए आपको उसका आंसर मिल जाएगा क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जब पॉपुलर होता है तो आप कोई भी चीज़ को फर्स्ट टाइम ट्राई नहीं करते हैं उसको ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर किया जा चुका है और कोई प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम आपको हुआ है इस बार वो किसी ना किसी को पहले ही वो प्रॉब्लम हो चुका होगा और वो क्वेश्चन पूछ भी लिया होगा उसका आंसर मिल भी गया होगा तो आपको रैपिडली वो चीज मिल जाता है बट आप कोई चीज अगर अनपॉपुलर जाते हो तो उसमें आपको खुद से स्ट्रगल करना पड़ता है ये मेरा मतलब होता है कोई भी लैंग्वेज को पॉपुलर और नॉन पॉपुलर बताने से आई होप यू अंडरस्टूड तो इसका सिर्फ लैंग्वेज पॉपुलर नहीं है जावास्क्रिप्ट का लैंग्वेज सिर्फ ऐसा नहीं है जवाब स्क्रिप्ट लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसका फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा पॉपुलर है आप बात करो रिएक्ट जेएस का नेक्स्ट जेएस का गेट्सपी जेएस का एनडोर जेएस का इवन कितने सारे हैं जो ये चार तो हम बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज बताएं इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं जो बहुत पॉपुलर है आपको फ्रंट इन बनाना हो तो आप ये सबका यूज कर, तो कर, तो कर सकते हैं आपको बैक इन बनाना हो तो आप नोट जेएस का यूज कर लीजिए आपको क्या बनाना है मोबाइल ऐप बनाना है एंड्रॉड या आईओ के लिए तो आप रिएक्ट नेटिव यूज कर सकते हैं आपको विंडो का सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप इलेक्ट्रॉन जेएस का यूज कर सकते हैं ओके तो आपको हम चलिए एग्जाम्पल भी दे देते हैं ऐसा नहीं कि इससे कोई छोटा मोटा साइट बन जाता है छोटा मोटा बिग बिग साइट बना हुआ है आपको जैसे एग्जाम्पल हम बताएं तो एग्जाम्पल में आपको आते हैं कि आप फेसबुक को देख लीजिए फेसबुक को देखिए इंस्टाग्राम को देखिए ये किसको यूज करता है रिएक्ट को यूज करता है अगर हम बैकइंड में बात करें तो आपको नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स को आप सब जानते हैं उसका बैकेंड कम्प्लीटली नोट जे पे बना हुआ है देन अगर हम बात करें आपका विंडो सॉफ्टवेयर का तो इलेक्ट्रॉन जे को आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन जे पे जो बनता है इसमें आप लोग एक पोस्टमैन को जानते हो अगर आप लोग डेवलपमेंट पे जान बैकेंड डेवलपमेंट में जाओगे तो हम लोग एपीआई टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और आपको जान के अच्छा लगेगा कि पोस्टमैन जो है कंप्लीटली बना हुआ है किस पे इलेक्ट्रॉन जे पे तो ये सब के सब इतने ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है ये सब मिलके जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट को टॉप नंबर वन पे लेके आ गया है और नंबर वन पे ये फ्रेम मतलब ये लैंग्वेज आ चुका है तो जावास्क्रिप्ट को सीख नहीं सीखना अभी ये समझिए आपका सबसे बड़ा गलती होगा कि आप जावा स्क्रिप्ट को नहीं सीख रहे हैं अगर आप किसी भी लैंग्वेज पे केस से जुड़े हुए कि हमको जावा पसंद है हम तो जावा का ही सब कुछ सीखेंगे या हमको पाइथन पसंद है हम पाइथन का ही सब कुछ सीखेंगे या कोई भी लैंग्वेज को बहुत सारे लोग पकड़ के रह जाते हैं बट हम कहेंगे कि ये ऐसा टाइम आ चुका है आपको कि आपको जावाह स्क्रिप्ट जरूरी जरूर सीखना चाहिए क्योंकि अगर आप जावा स्क्रिप्ट को नहीं सीख रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं और जस्ट जाहा स्क्रिप्ट सीखने से काम नहीं चलेगा वो तो एक फर्स्ट स्टेप हुआ उसके साथ आप उसका फ्रेमवर्क सीखिए और देखिए आप कहाँ पहुँच सकते हैं कितने ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप जावर सीखना चाहते हैं तो एक बार हम उस पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए बहुत ही आसान शब्दों में बताएं कम से कम टाइम लेके आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया जावा स्क्रिप्ट को कितना सीखना चाहिए आप जस्ट उतना जावा सीख लीजिए आपको बहुत ज़्यादा सीखने का जरूरत नहीं क्योंकि आपको अगर ज़्यादा एडवांस जानना है तो आप धीरे धीरे सीख ही जाओगे जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगा बट इतना बेसिक पहले जान लो उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप फ्रेमवर्क उसका जाना स्टार्ट कर दीजिए जैसे कि आप नोट जेस सीखिए रिएक्ट JS सीखिए रिएक्ट नेटिव सीखिए ये सब जब आप सीखते हो तो आप काफ़ी प्रो बन जाते हो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में ओके तो आपको हम रिकमेंड करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं अपने प्लेलिस्ट का ये या आई बटन पे भी मेरा आ जाएगा वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिए मेरे कोर्स को आई होप आपको पसंद आएगा हिंदी में है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है तो आई होप आपको पसंद आएगा इवन जावास्क्रिप्ट का नहीं हम ट्राई करेंगे कि बाकी जो हम इसमें पांच बताए हुए हैं टॉप फाइव लैंग्वेज में वो सबको भी अपने चैनल पे उसका कोर्स लेके आए तो जैसे जैसे कोर्स आते जाएगा हम डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देंगे तो अगर आप इसको थोड़ा दिन बाद देख रहे हैं वीडियो रिलीज के तो आ, 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 पर आप चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन तो मे बी हम वो आप उसका कोर्स भी ला चुके होंगे अगर जैसे हम लाएंगे हम आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड भी कर देंगे तो आई होप अब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा टॉप फाइव लैंग्वेज ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड आपको जैसे कि हम बताएं थे कि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसको शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि हम इसके तरह इसी तरह आपके लिए और भी बहुत सारा वीडियो लाते रहते हैं और कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये इन्फॉर्मेटिव मैम कोर्स तो लाते ही रहेंगे आप कोर्स के बता सकते हो कि किस कोर्स आपको ये पाँचों में से किस कोर्स पर आप जाना चाहते हैं या अगर हम कोई पॉइंट मिस किए हुए हो तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं या आप अपना टॉप फाइव लैंग्वेज बता सकते हैं तो देखिए स्पॉयलर मत दीजिएगा कि नीचे कमेंट में जाके यही टॉप फाइव लैंग्वेज को बता दीजिए आप डिफरेंट डिफरेंट टॉप फाइव लैंग्वेज आता है कि आपके हिसाब से कौन सा वो टॉप फाइव लैंग्वेज है जो कि होना चाहिए ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए या डिफरेंट ईयर के भी लिए भी आप लिख सकते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय सी यू